हेलो everyone, I आई एम कार्तिका एंड आई discussing with विद यू एक्सरसाइज पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ हम लोग आपके इकोनॉमिक्स textbook बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका हम लोग एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने छः questions जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं वी पीपल आर लेफ्ट विद लाइक सेवन मोर क्वेश्चन टू गो थ्रू सो वी पीपल विल भी डिस्कसिंग सेवन मोर क्वेश्चन इन दिस वेरी सेशन सो लेट्स सी हम लोगों ने जो छोड़ा है okay so you people can see on the screen upload the seventh question here you people can see on the screen so the seventh question says that kerala with uh, lower per capita income has better human development rankings than haryana hence per capita तो यहाँ पर बोला है भाई की पर कैपिटल इनकम तो स्टेट्स के मामलों में अच्छा काम नहीं करता है एज अ क्राइटेरिया तो क्या हम सहमत हैं इस बात से कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्टेट्स के मामलों के ऊपर सो आई वुड से येस आई डू अग्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हम लोगों को पर कैपिटल इनकम क्या इसमें पर कैपिटल इनकम तो इंडिविजुअल लेवल पे वैसे भी नहीं बताता कि कौन सी जो स्टेट है वो रिच है या कौन सी स्टेट जो है पूर है वो तो एक एवरेज इनकम उन्होंने निकाली चलो भाई छुट्टी ये उन्होंने साइड में करके रख दिया क्योंकि पूरी कंट्री का ही ले लेते हैं वो लोग तो, तो इंडिविजुअली हमें पता ही नहीं हमारे उन्नत स्टेट कौन सा स्टेट कितना डेवलप्ड है क्या उसकी इनकम चल रही है क्या नहीं चल रही है हमें पता ही नहीं होता है So therefore, states के मामलों में जो है आई अग्री दैट पर कैपिटल इनकम इज नॉट अल क्राइटीरिया नॉट बी यूज टू कम्पेयर स्टेट प्लस वी कैन अंडरस्टैंड हेल्प ऑफ द स्टेटिस्टिकल ऑफ द टू स्टेट जो हमने देखा था केरला uh, और हरियाणा का जो हम लोगों ने देखा था तो जो पर कैपिटल इनकम थी हम लोगों ने इनकम देखी थी वो हरियाणा की ज्यादा थी केरला से तो जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट थे या लिटरेसी रेट थे वो हरियाणा के कम थे और आपके केरला के ज्यादा थे सो दे फो वी पीपल केन नॉट टेक ओनली इनकम एज अ मैटर क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिर्फ इनकम जो है वही नहीं बन सकता है डेवलपमेंट का जरिया और चीजें भी हैं और फैक्टर्स भी काउंट होते हैं तो और फैक्टर्स जब काउंट किए तो हरियाणा पीछे रह गया हरियाणा सिर्फ इनकम में आगे है सो so, हम कैसे इनकम को सिर्फ बेसिस बना लें तो हमने बेसिस और भी चीज़ों को ले रखा हेल्थ को भी ले रखा है एजुकेशन को भी ले रखा है तो वहाँ तो हरियाणा पीछे है सो पर कैपिटल इनकम इज नॉट दैट यूजफुल फॉर आस सो दे फो वी पीपल सी दैट जो अब डेटा है वो क्या दिखाता है हम लोगों को जो हम लोगों ने देखा था हरियाणा और केरला का दैट दिस uh, जो पर कैपिटल इनकम है या इनकम है दैट इज नॉट वेरी यूजफुल इन मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन और स्टेट so i'll be giving you the answer here, a written answer. that is answer number seven. now, answer number seven, say, uh, because i agree, so therefore yes, i agree that uh, per capita income here, that per capita income is not a useful criteria criteria and should not be used to compare states and should not be used टू कंपेयर स्टेट क्योंकि uh, और पंजाब का जब हम लोगों ने देखा तो पर कैपिटल इनकम जो है एज वी वी विल कैंसिल दैट पर कैपिटल इनकम और वी विल कैसे इनकम पर कैपिटल इनकम ऑफ हरियाणा Was higher than Kerala, but Haryana was behind Kerala in terms of literacy rates. In terms of literacy rates and infant mortality rate, infant mortality rate, I'm sorry, infant mortality rate, mortality rates. वो हाई इन हरियाणा सो जो लिटरेसी रेट है वो तो केरला के अंदर ज्यादा है लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हरियाणा में ज्यादा है सो देफो इट इज लैगिंग बिहाइंड केरला इन अदर मैटर्स सो देफो जो अब डेटा है वो क्लियरली दिखाता है सो द डेटा शोज data shows that per capita income per capita income alone cannot be cannot be used for measuring used for measuring development of a nation used for develop uh, used for measuring the development to development of a nation or a date so you people can see i'll just uh, show you the whole page again here is the answer you people can pause the video write down the answer or note uh, if you people want to just take the important uh, you know Points, so you people can take the important points so this is the whole answer that you people can see on the screen you people can pause the video and take down the answer so i am now turning the page because we people will be discussing eighth question and eighth question says let's see what the eighth question is asking us eighth question asks us that uh, We're done with seven. So, we people are discussing now eight. Find out the present sources of energy that are used by people in India. What could be the other possibilities fifty years from now? तो अभी कौन से resources हैं जो India के अंदर as a source of energy used किए जाते हैं और आने वाले 50 सालों में और ऐसे क्या measures हो सकते हैं जो हम लोग ले India के अंदर? So, this is what the people are asking us. So, coming back to the answer. सो so, इंडिया के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है अगर हम बात करें गांव में रूरल एरिया के अंदर तो वो होता है फायर वुड वुड इज द मोस्ट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द रूरल इंडिया बात करें कि कोल और पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की तो वो यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज्यादा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सो दीज So, जैसे uh, मैंने बात करा कोल का पेट्रोलियम का तो नेचुरल गैसेस का सो दीज आ एक्सॉस्ट हो जाएंगे दीज आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स दीज आर एग्जॉस्टेबल सो वो कह रहे हैं कि आने वाले पचास सालों में आप और क्या सजेस्ट कर सकते हो बिफोर गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन आई बी आंसरिंग ये पहला वाला ही जो इसका हिस्सा है आई विल बी आंसरिंग दैट दैट इज आंसर वी आर ऑन आंसर नंबर 8 दैट इज व्हाट एट पीपल आर डिस्कसिंग सो इन आंसर नंबर 8 वी पीपल सी दैट फायरवुड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फायरवुड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फायरवुड जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द रूरल इंडिया इन रूरल इंडिया और हम देखते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम कोल एंड पेट्रोलियम कोल एंड पेट्रोलियम Uh, unnatural gases and natural gases or you people understand the natural gas i used for the production for the production of

Are therefore exhaustible and are therefore exhaustible in nature. Moving on to the next question, uh, other part of the question, what is it asking us? It is asking us that. Uh, और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेक्स्ट कमिंग 50 इयर्स तो और सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंडिया के अंदर क्या यूज किया जा सकते हैं सो इन अबाउट 50 इयर्स ऑफ टाइम वी कैन होप टू सी वेरियस न्यू रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बीइंग यूज ऑन अ मच लार्जर स्केल दैन दे आर यूज नाउ सो वॉट वी पीपल वी पीपल सी दैट Renewable source resources of energy, renewable resources of energy, renewable resources of energy should be used. ऑन अ लार्ज स्केल इन नेक्स्ट फिफ्टी ईयर टाइम क्यू क्योंकि जो नॉ क्योंकि जो रेन्यूएबल रिसोर्सेस है दे कैन बी रिन्यू So हमें उसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी Geothermal energy tidal energy and biogas made from cow dung can be used in future. And biodung, oh sorry, and biogas. Can be used in the future. Can be used in the future or your renewable resources, hai, these are also environmental friendly, so they should be used also because they are.

तो दिस इज द आंसर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट भी डिस्कस कर लिया है नाउ आई एल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोग डिस्कस करेंगे

सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्यों होनी चाहिए या वो इम्पोर्टेंट क्यों है so जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है जो यूज करना अपने नेचुरल रिसोर्सिस को यूज आर नेचुरल रिसोर्स इन एन ऑप्टिम एंड मिनिममली ऑप्टिम मैनर इन अ जुडिशियस पैनर ना केयरफुल पैनर ओके सो वो क्यों क्योंकि ये ही है जो कि फुलफिल कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर जेनरेशन दोनों की नीड को तो हमें फ्यूचर जेनरेशन के लिए इन्हें बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है मूविंग ऑन फर्दर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी कंट्रीज फ्यूचर में कंट्रीज को ग्रो करने के लिए उनकी जो डेवलपमेंट है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वे वीपिल सी दैट अगर डेवेलपमेंट एक अनकंट्रोल मैनर में करे तो वो डिप्लीजन uh, में रिजल्ट करेगी रिसोर्सेज के और जो इस वजह से है इकॉनमी फर्दर स्टैगनेट हो जाएगी डेवलप होने की जगह अगर ओवर यूटिलाइजेशन आप कर लेते हैं रिसोर्सेस की तो इकोनॉमी फॉर श्योर आने वाले टाइम में स्टैगनेट कर जाएगी क्योंकि फिर तो रिसोर्सेस होंगे ही नहीं फिर हम लोग क्या करेंगे सो so, इसलिए उस स्टैगनेशन से बचने के लिए हमें अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी सो so, ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर करता है एक स्टेबल और एक रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। सो आंसर नंबर नाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी is important is important for development for development q q ki sustain जो हमारे यहाँ पे development है उसको एक कंट्रोल मानद में चलता भी तो रखना है ना मैंने दोस्त तो सस्टेन भी करना है इट शुड भी Long lasting. So that is why we will need the concept of sustainable development. Or development because over utilization, over utilization of resources can lead to Exhaustibility of the resources and therefore leaving the future generations. with no resources so natural use resources resources should be used in a Judicious manner so that it fulfills, so that it fulfills, it fulfills. The needs of present fulfill the needs of present and future generations both next Q important hai? sustainability of development Q important hai because जो आने वाले टाइम में है ओवर यूटिलाइजेशन कैन लीड टू स्टैगनेशन सो ओवर यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन कैन लीड टू फ्यूचर स्टैग्नेशन Of the economy. Also, so to avoid it, sustainability of development. Sustainability of development is required. Also, to strike, also to strike regular, regular, regular and table development this process is this process is important moving on to the next question i have given you notes regarding answer 9 now moving on to the next question the 10th question what does the 10th question says so let's see what does the 10th question says here in your book this is the 10th question i hope you people can see the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person how is this statement relevant to the discussion of development discuss तो ये जो डिस्कशन है ये जो कोर्ट है ये कैसे रेलेवेंट है क्योंकि अगर हम एज अगर हम को ऑप्टिमली यूज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में वो रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे इसलिए ये, so, ये जो कोर्ट है ये रेलेवेंट है सो ये जो कोर्ट है ये महात्मा गांधी का है और ये हमें बताता है कि अर्थ के पास प्लेंटी रिसोर्सेस हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए जो है वो नहीं है आ, अर्थ के पास सो so, देयरफॉर uh, हम लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए तो अर्थ जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देती है सो आंसर नंबर टेंथ So this statement This statement is relevant to the discussion of to the discussion of development as Earth has plenty resources if we talk about if we talk about the if we talk about the satisfaction Of the needs of people, but for the greed, it but for the greed, it is not.

बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूम बट जो अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेस का वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए और सैटिस्फाई करने के लिए अपनी अनलिमिटेड वर्न को दैट विल लीड टू दी डिस्ट्रक्शन सो देर नेचर डिज नॉट हैव फॉर द ग्रीड ऑफ पीपल But the exploitation, exploitation of resources will lead to its destruction. सस्टेनेबल so, डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट So, sustainable development is important to lead an economy towards development. So, this is the whole answer. You people can see it on the screen, you people can either pause the video.

कुछ एग्जाम्पल्स मांग रहे हैं हमसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने अराउंड सो टॉकिंग अबाउट डिग्रेडेशन है जो आज के टाइम पे हो रही है तो वो क्या है पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से काफी पोल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज uh, की वजह से एयर पोल्यूशन फैल रहा है व्हीकल्स uh, की वजह से फैल रहा है वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एफिलेंस जो है, ह्यूमन एक्टिविटी भी है इसका एक कारण डिफॉरेस्टेशन जो है लैंड डिग्रेडेशन जो है और बिल्डिंग रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हाईवेज इन सब की वजह से जो है एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है और इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है और दीज आदि वेरियस Environmental degradations. So, talking about the environmental degradations, answer number 11. Environmental degradation. Environmental degradation. Like air pollution caused by vehicles and industries, then water pollution. Water pollution caused by again industries, industries waste. Next, we people see that uh, land degradation. लैंड डिग्रेडेशन अब लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन होता है माइनिंग की वजह से कॉस्ट बाय माइनिंग कॉस्ट बाय माइनिंग डिफॉरेस्टेशन so these are the various environmental degradation around us that is happening so this you people can see i have given you answer number 11 moving on to question number 12 question number 12 says for each of the items given in table 1.6 1.6 6 table they 1.6 look

सो यहाँ पे देखिए श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन ऑफ स्कूलिंग पीपल ऑफ द एंड अबव और ह्यूमन जो इंडेक्स है डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो रैंक है वर्ल्ड के अंदर उसको देखते हुए श्रीलंका जो है दैट इज ऑन दी थर्ड रैंक सो इंडिया इज ऑन 131 म्यांमार इज 145 पाकिस्तान इज वन फोर्टी सेवन नेपाल इज वन फोर्टी फाइव एंड बांग्लादेश इज वन थर्टी नाइन सो वी पीपल कैन सी कि जो यहाँ पर है ठीक है सो श्रीलंका जो है वो सारी कैटेगरीज में टॉप में है क्योंकि सेवेंटी रैंक है यहाँ पर श्रीलंका का आप लोग देख सकते हैं चारों कैटेगरीज में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिटरेसी रेट भी वहाँ पे ज्यादा है इट आल्सो हैड हाईएस्ट ह्यूमन इंडेक्स रैंक जो है वर्ल्ड के अंदर वो भी उसका ज्यादा है सो दे पीपल कैन सी सो बॉटम में अगर हम लोग देखें तो कौन सी कंट्री है बॉटम में अगर हम लोग देखें सबसे कम ग्रॉस इनकम और उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम लोग देखें और स्कूल के ईयर्स अगर हम लोग देखें और ह्यूमन इंडेक्स के बेसिस पे भी हम लोग देखें तो बांग्लादेश इज एट बॉटम ऑफ द कैटेगरी ऑफ लिटरेसी रेट्स नेपाल इज एट बॉटम ऑफ ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक सिलेक्टेड कंट्रीज म्यांमार बॉटम में है फॉर द कैटेगरीज ऑफ पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बर्थ पाकिस्तान ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पोजिशन इन ग्रॉस एनरोलमेंट फॉर द थ्री कैटेगरीज सो दिस इज द होल डिस्कशन दिस इज द होल थिंग रिगार्डिंग दिसल है टेबल सो बॉटम और टॉप हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है i'm not writing it down because i have discussed you people can mark it in your book okay so moving on forward to the 13th and the last question let's see what's the last question is asking us the following table shows the proportion of adults age 15 to 49 years whose bmi uh, is below normal

सो कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश सो बात करें न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल ऑफ केरला एंड मध्य प्रदेश तो केरला के लोगों का हायर है न्यूट्रिशनल लेवल दैन मध्य प्रदेश केरला का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो ज्यादा है क्योंकि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये बी एम आई है और ज और केरला का ये है सो देरलायर देन दीपल ऑफ मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क आन यू गेस वाई अराउंड वन फिफ्थ ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडरिश

ऑफ दी रोंग मैल प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जैसे हम पी डी एस की बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो वो प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज नहीं है उसके अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं लोग जो है मैल प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है उन मामलों के अंदर तो इस वजह से जो है न्यूट्रिशनल uh, uh, जो है हमारी न्यूट्रिशनल अगर हम स्टेटस देखें तो हमारी कंट्री का काफी लो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देर इज लैक ऑफ प्रॉपर सप्लाई चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन अमंग सो आर कंट्री ऑल्सो लैक प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड चेन तो फूड का जो प्रॉपर सप्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो चेन है वो भी एक तरीके से प्रॉपर नहीं है हमारी कंट्री के अंदर इसलिए जो है हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें है होती हैं देन पीपल सी दैट द फूड इट गेट्स रोटेन इन स्टोर हाउसेज ओन बाय गवर्नमेंट बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग

आप टेबल के आगे ही लिख सकते हो तो हम देखते कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो केरला के लोगों का ज्यादा है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है केरला हैज न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल लेवल मध्य प्रदेश और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा कि ड्यू टू द करप्शन जो है आ, हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो दे नॉट एबल टू हैव दे आर अंडर अरेस्ट सो करप्शन Malpractices, no proper public distribution system, failure of governmental. Policies Failure of governmental policies is the reason behind under nourishment. So we people have discussed. The questions now, I will be just giving you a quick recap what we people have discussed in this session. I am keeping the book aside, I wasn't referring to the book, so, book aside, and here, uh, yeah, what we people have discussed that we will start discussing from question number seventh. फिर यू विल कैन सी क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के अंदर एज़ आई सेड दैट आई अग्रीड कि जो पर कैपिटल इनकम है इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया दैट शुड बी यूज टू कंपेयर द स्टेट्स पर कैपिटल इनकम हरियाणा का जो है वो हायर है लेकिन केरला का केरला बट केरला बट हरियाणा जो है वो बिहाइंड है केरला से इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट एंड जो इन्फेंट मोटेलिटी रेट है वो भी हाई है हरियाणा के अंदर न so सी और जो डेटा है वो ये दिखाता है कि जो पर कैपिटल इनकम है वो खाली नहीं बता सकता की कैसे डेवलपमेंट को मेजर किया जाना चाहिए एक नेशन और एक स्टेट के अंदर मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दंबर एट कि कौन सा वाला जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया के अंदर तो फायरवुड जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर है इंडिया के अंदर कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है वो भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन इंडिया देन वी पीपल सी दैट जो ये वाले रिसोर्सेज है पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कोल जो है हमारे यहाँ पे वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसलिए वो एग्जॉस्टेबल है नेचर के अंदर नेक्स्ट वी पीपल सी कि जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं दे आर दे शुड बी यूज ऑन लार्ज स्केल ताकि फिफ्टी ईयर्स के टाइम पे अगर हम इनको यूज करते हैं तो देन वी पीपल विल बी एबल टू ब्रिंग आउटेनेबल डेवलपमेंट सो सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी ट्राइडल एनर्जी बायोगैस इन सबको यूज किया जाना चाहिए फ्यूचर में और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नाइन्थ क्वेश्चन इट से सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विल लीड टू द एग्जॉस्टेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स लिविंग द फ्यूचर जनरेशन विद नो रिसोर्सिस फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा और इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियस मैनर के अंदर यूज करना चाहिए हमें अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए उसे यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकें और ओवर यूटिलाइजेशन जो है वो स्टैगनेशन इट लीड टू दैग्नेशन ऑफ द इकोनमी और इसे अवॉइड करने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत है और ऑल्सो टू स्ट्राइक अ स्टेबल डेवलपमेंट एंड रेगुलर डेवलपमेंट उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है

मूविंग ऑन टू द इलेवेंथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है आपके अराउंड किन किन तरीकों के होते हैं तुम्हारे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है वाटर पॉल्यूशन होता है लैंड डिग्रेडेशन होता है किन कारणों से होता है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है व्हीकल्स की वजह से होता है इंडस्ट्रीज देन माइनिंग डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्री के वेस्ट इन सब चीजों की वजह से ये सारे पॉल्यूशन फैलते हैं रला का हाई न्यूट्रिशनल लेवल है प्रदेश और करप्शन मैल प्रैक्टिस नो प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेलियर ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज इन सब की वजह से जो है हमारी कंट्री का नरिशमेंट लेवल जो है वो कम है जबकि हमारे देश में काफी ज्यादा